these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 14 सितंबर, आज है मेरा बर्थडे। तो आज मैं पूरा ब्लॉग आप लोगों को पूरा ब्लॉग शूट करने वाली हूँ, पूरा वीडियो दिखाऊंगी। सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या करने वाली हूँ, पार्टी वगैरह जो भी होगा मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी, सब कुछ शेयर करूंगी। तो वीडियो एंड तक जरूर दिखेगा। अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। जिसने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको थैंक यू सो मच। जिसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, जाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी बज रहे हैं 9, तो 9 बज चुका है, तभी मैं उठूँगी। उठ के कुछ लोग आने वाले हैं, सबसे पहले तो जाऊँगी किचन, खाना वाना बनाऊँगी, उसके बाद नहाऊँगी, पूजा वूजा करूँगी, क्योंकि बाटा उटा देने वाली हूँ आज मैं घर पर, पूजा वूजा करूँगी। तो सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ, उठने के बाद फ्रेश होती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो तब तक के लिए बाय गाइस। तो अब मैं काट लूँगी, इसको बोलते पूरी डोगा, तो उसका चचरी बनेगा, तो उसको मैं काट लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे चिकन मटन खाने वाले कोई भी लोग नहीं है, जितने भी लोग हैं सब लोग वेज ही खाते हैं, इसलिए सब कुछ वेज ही बनेगा। सबसे पहले मैं ये सब काट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने दाल जो है अच्छे से सोमवार दे दिया था, अब सब्जी बना लूँगी। कढ़ाई को सबसे पहले अच्छे से गर्म कर लूँगी मैं। चार चम्मच तेल दे दी है, थोड़ा सा और ज़्यादा दूंगी आज। काली जीरा, अब मैंने जो सब्जी धो के रखा है सारी सब्जी ऐड कर दूंगी। मैं इसको ढक दूंगी और इधर मैंने सब्जी के लिए मसाला रेडी कर लिया, सरसों, प्याज, काचा मिर्च है इसमें, और दिया है। अब देख लूंगी कि मटर जो है अच्छे से बॉईल हुआ या नहीं। फिर मैंने बड़ा कढ़ाई जो है वो बैठा दिया है, क्योंकि छोटे कढ़ाई में जो सब्जी पूरी का सब्जी जो अभी भी बना नहीं है, तो मैंने इधर बड़ा कढ़ाई जो है बैठा दिया है, उधर पूरी का सब्जी बन रहा है, इधर मैं मटर, आलू और पनीर देके सब्जी बनाऊंगी। ऑप्शनल है, अगर पनीर डालना चाहते हैं आप लोग डालिए, नहीं डालना चाहते मत डालिएगा। यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है, देख सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, Thank you.
पनीर को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। फूल का जो सब्जी है वो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये थोड़ा सा धीमी आंच में बहुत अच्छे से पकाना पड़ता है, बनाना भी पड़ता है, बहुत टेस्ट बनता है। इसलिए मैं इसको एक लो फ्लेम में इस कढ़ाई में मैंने बैठा दिया है, धीरे धीरे होता रहे तब तक मैं मटर आलू का सब्जी जो है बना लूँगी। तो पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं पनीर को निकाल लूँगी। इसमें डालूंगी आलू, आलू भी मैंने बॉईल कर लिया था। इसमें डालूंगी तेज पत्ता और जो मैंने मसाला पीस के रखा था वो। थोड़ा मैंने मसाले का पानी दे दिया है, अच्छे से मसाले को फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मटर जो है अच्छे से बॉईल कर लिया है, मटर ऐड कर दूंगी। मटर को अच्छे से मसाले के साथ फ्राई करूंगी। इधर मैं पूरी में ऐड कर दूंगी मसाला, देख सकते हैं कितना कम चुका है, और भी कम जाएगा ये बनते बनते। इधर मसाला ऐड कर दिया है, ढक ढक के थोड़ी देर और पका। मैं इसको ढक दूंगी, ये ढक ढक के हो जाएगा, तब तक इधर मैं चाना जो है मटर आलू का सब्जी ये बैठा लूंगी। मटर आलू सब्जी में जो मैंने बॉईल किया हुआ पानी है वही ऐड करूंगी, एक्स्ट्रा पानी यूज नहीं करूंगी। ये मटर का ही पानी है, ये ऐड कर दूंगी मैं पूरा। ग्रेवी ग्रेवी बनाऊंगी, अच्छे ढक दूंगी, ढक ढक के पका लूंगी थोड़ी देर अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर, यहाँ पे मैंने फ्राई किया हुआ पनीर जो है ऐड कर दिया है। ये और भी सूखा सूखा बनेगा, इतना ग्रेवी नहीं, और भी ग्रेवी ग्रेवी बनेगा।
इसमें ऐड कर दिया मैंने गरम मसाला। देख सकते हैं बन चुका है मटर आलू पनीर दही की सब्जी। चुका है और पकौड़ा जो है मैं गरम गरम बनाऊंगी खाने के टाइम। और क्या तो यहाँ पे देख सकते हैं पूछ और चुरी जो है बन चुका है। बनने के बाद कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मैंने ये आज बनाया है। तो आप लोग भी जैसे मैंने बनाया ऐसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये बंगाली में पुई शाक बोलते हैं। तो अभी मैंने खाना जो है बन चुका है, अब मैं चली जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद मैं आती हूँ। तो अभी मैं फाइनली घर से निकल चुकी हूँ। आप लोग सोच रहे मैं जा कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, सरप्राइज है आप लोगों को दिखाऊंगी। तो घर में सबका खाना वाना हो चुका है, अभी बज रहा है 5:30। मैं 5:30 बजे निकल चुकी हूँ, मैं मेरे भैया दोनों, अभी हम लोग हैं हाईवे में। तो मैं जा रही हूँ छोटा सा पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए मेरा बर्थडे का। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, मैं मेरे भैया, जाते जाते हम लोग को 6:30 बज चुका था। तो मैं गई फाइनली, मैं आपको बता दीजिए मैं कहाँ गई। मैं गई थी अपने फ्रेंड को पिकअप करने के लिए लंका से, और वहाँ से हम लोग गए हनुमान ढाबा। जो लामनिंग से विजिट करते तो उन लोगों को पता होगा कि हनुमान ढाबा कहाँ पर है। तो देख सकते हैं मैं लंका के सामने जो आ चुकी हूँ अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड को मैंने वहाँ से लिया है, पिकअप कर लिया है करके हम लोग चले गए हनुमान ढाबा। तो मेरी फ्रेंड मैं बात कर रही हूँ, उसके बेटी के साथ खेल रही हूँ। आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और मेरे बर्थडे ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं बहुत दिन के बाद अपनी फ्रेंड से मिल रही थी, बहुत दिन, आई थिंक 6-7 मंथ हो गया था, उसके बाद ही मैं अपनी फ्रेंड के साथ मिल रही थी। तो हम लोगों ने खाना वाना ऑर्डर कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे नान है, बिरयानी है, बहुत ही डिलीशियस खाना था, अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था, अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो हम लोग वहाँ से गए, खाना वाना खाए, उसके बाद उसके बेटे जो यहाँ पे देख सकते हैं बैठ के आराम से खेल रहे हैं, कार्टून भी देख रहे हैं, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग की भी, हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वहाँ पे हम लोग का खाना ख़त्म हुआ, अब मैंने 2-3 फोटो लिया, वीडियो बनाया। तो अभी हम लोग वहाँ से निकलेंगे बाहर, तो मैं बाहर का लोकेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ। जब रात हो चुका था इतने अच्छे से मैं लोकेशन दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं ये है हनुमान ढाबा। बजरंग बली का बहुत बड़ा मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है, तो देख सकते हैं गाइस। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, मैंने अपने फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया है उसके घर पे, घर पे। तो यहाँ पे लग चुका है ट्रैफिक जाम और मुझे आ रहा है घर से फ़ोन, और मुझे जल्दी जल्दी घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे भी सेलिब्रेट करना है हमें। तो यहाँ से मैं 9, देख सकते हैं ट्रैफिक जाम है। तो यहाँ पर मैं जैसे भी हो ट्रैफिक खोला, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। तो सीधा मैं अभी जाती हूँ घर, घर पर जाके अब से मिलती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, अभी फिर घर पर जाऊँगी। तो चलिए चलती हूँ मैं घर, और घर पे जाके सीधा आप लोगों को वहीं पर मिलती हूँ। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच, जिसने नहीं किया प्लीज़ जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है, फ्री सब्सक्राइब है, प्लीज़ गाइस जाओ सब्सक्राइब कर दो। तो मैं फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ, यहाँ से छोटा सा मेरा एक बर्थडे सेलिब्रेशन है घर पे। तो घर पे देख सकते हैं मैं केक काट रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, थैंक यू सो मच माई वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइस, गुड नाइट।